स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिर्च का मजा। ये जी चैप्टर है तुम्हारा, कंक्लूडिंग चैप्टर, चैप्टर 17, मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख आ गया उसके मुंह में पानी। तो देखो, ये काबुली वाला जो कि मिर्च का व्यापार करते हैं, और ये एक औरत, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख आ गया उसके मुंह में पानी। तो ये जो औरत, ये लाल मिर्च का व्यापार करती है, और ये काबुली वाला ये खरीद करके मिर्च लेते हैं। तो एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी कहते हैं या क्या नहीं बोलते हैं कि काबुली वाला का मिर्च का साथ क्या कहानी है। तो मिर्च का मजा जो है, ये जो कविता है, इसमें एक काबुली वाला और एक जो मिर्च बेचने वाला जो बूढ़ी है उसका बारे में ये दर्शाते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी कहते हैं काबुली वाले की, ये लाल मिर्च को देख आ गए उसके मुंह में पानी। इनके मुंह में पानी आ जाता है लाल मिर्च को देख, ठीक है। अच्छा, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। ये काबुली वाला क्या बोलते हैं, ये अच्छी, ये लाल मिर्च, बड़ा बड़ा लाल मिर्च, इसमें अच्छा दाना होगा, और दाना मतलब इसका जो बीजा होगा, और ये मौसम का जरूर एक मीठा फल होगा। ये मौसम का अभी का सीजन में ये जो लाल मिर्च एक मीठा फल होगा, ये काबुली वाला सोचता है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपने फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्योतियों को समझा कर। क्या ये है कुंजड़िन? तो एक चौवनी मतलब 25 पैसे, चौवनी 25 पैसे को चौवनी उस जमाने में बोलते थे। तो एक चौवनी फेंक और झोली अपनी फैला कर, एक चौवनी फेंक करके अपना झोली फैला कर दिखाया, कुंजड़िन से बोला बेचारा, ये बेचारा कुंजड़िन से बोला, ज्योतियों को समझा कर, कुछ भी समझा कर बोला कि मेरे को ये मिर्ची दो, एक चौवनी में मैं झोला फैला रहा हूँ, ऐसे करके जैसे तैसे समझा के कुंजुड़िन को बोला। लाल लाल पत्री छिमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की। इसका मतलब क्या है ना, देखो ये काबुली वाला मतलब काबुल से जो आते हैं उसको काबुली वाला बोलते हैं, और इसमें चौवनी पुराने समय का चार आने का सिक्का को चौवनी बोलते हैं। कुंजड़ी मतलब सब्जी बेचने वाली जो, उसको कुंजड़ी बोलते हैं। ये मिर्च जो बेचते हैं वो है कुंजड़ी, और छिमी मतलब फली। तो इसका जो लाल लाल पतली पतली, ये मिर्चा कैसे लाल लाल और पतली, छिमी, छिमी मीन्स ये फली माने पतली फली, ये लाल लाल पतली फली, पतली छिमी माने पतली फल। हो चीज अगर खाने की, ये अगर खाने की हो तो हमको दो तोल छिमिया, मेरे को दो तोल छिमिया, मेरे को ये जो पतली फल को तोल करके दे दो, फकत चार आने की। कितना देना है? चार आने की, 25 पैसे की, फकत मतलब केवल। तो एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी बोलते हैं, ये काबुल से आया आदमी काबुली वाला का कहानी बोलते हैं, जो लाल मिर्च को देख आ गया उसके मुंह में पानी, जो लाल मिर्ची को देखकर उसका मुंह में पानी आ गया।
सोचा क्यों अच्छे दाने हैं, खाने से बॉल होगा, ये सोचा ये अच्छे अच्छे दाने हैं, और सोचा क्या ये खाने से क्या होगा, बॉल होगा, ताकत होगा, शक्ति होगा, या जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, ये लाल मिर्च को ये मौसम का एक मीठा फल होगा बोल के ये सोच रहा है। एक चौनी फेंक और झोली अपने फैलाकर कुंजुड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों को समझा कर। ये जो कुंजुड़िन मतलब सब्जी वाली, उसको जैसे तैसे समझा बुझा कर ये एक चौनी फेंक कर अपना झोली फैलाकर क्या बोलते हैं ना, लाल लाल पतली छिमी, ये लाल लाल कलर का सरू पतली सब्जियाँ, और ये चीज अगर खाने की है तो अब हमको दो तोल छिमियाँ मेरे को दे दो तोल के, और चार आने की देना है, कितना 25 पैसे या चार आने की देना है मेरे को, तोल करके दे दो ये जो पतली सब्जी जो लाल लाल चार आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजुड़िन बिचारी बोली, कुंजुड़िन क्या बोली, हाँ ये तो सब खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्च से भर दो उसकी झोली, भर दी उसकी झोली, और क्या क्या शेर भर, एक शेर मतलब एक की केजी लाल मिर्च से उसका झोली भर दिया। तो कुंजुड़िन क्या बोली, ये क्या बोली कबूली वाले कि लाल लाल पतली छिमी, ये लाल लाल पतली फल, और ये चीज खाने की है तो हमको दो तोल छिमिया मेरे को ये जो पतली फल से तोल के दे दो, चार आने से 25 पैसा से इसको वजन करके दे दो। तो कुंजुड़िन क्या बोली, सब्जी वाली बोली हाँ ये तो सब खाते हैं, ये बिचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली, ये काबुली वाले की झोली से एक शेर मिर्ची वजन करके तौल करके भर दिया। नेक्स्ट मगन हुआ काबुली फली का सस्ता सौदा पाकर लगा चौने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर। ये क्या किया, ये पूरा मग्न हो गया, क्या मग्न हो गया कि ये सस्ता सौदा पाकर 25 पैसे में 1 किलो मिर्ची दे दिया, तो ये पूरा खुशी हो गया। लगा चवाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर, पूरा नदी का किनारे, ये देखो नदी, नदी का किनारे ये जाके बैठा एक पेड़ का नीचे, और 1 किलो जो मिर्चा खरीद था कुंजुड़ी कुंजुड़िन से वो नदी किनारे बैठ के चवाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भराया। लेकिन क्या हुआ, मिर्च अब उनका जीभ पर तुरंत अपना जोर दिखाया, अपना जो कमाल दिखाया, तो मुंह सारा जल उठा और आंख में जल भराया। आंख में देखो इनका आंख में आंसू टपक रहा था, और मुंह क्या हुआ सारा जल उठा। तो मिर्ची खाने से क्या होता है, मुंह जलता है और आंखों से जल भर आता है, तो इसका भी वही हुआ, काबुल वाला का मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, पूरा आंखों में पानी आ गया। पर काबुल का मर्द, ये कौन किस कहां का मर्द है, काबुल का, पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। मतलब क्या है, तो ये काबुल का मर्द है, तो जब काबुल का मर्द है ये लाल जो छिमी है लाल फल है, तो इससे ये क्यों, ये लाल फली से क्यों मुंह मोड़े, क्यों मुंह थोड़ा जलता है, थोड़ा आग से पानी आता है, आने दो, इससे क्यों मुंह मोड़ेगा, और जिस पर इतना खर्चा हुआ 25 पैसा, तो उसको कार्य सिद्धि नहीं करके क्यों छोड़ेंगे, क्यों बिना सदाए छोड़े, माना कार्य सिद्धि नहीं करके काम हासिल नहीं करके छोड़ेगा क्यों। आग पोसते दांत पीसते रोते और ऋषि आते, वह
खाता ही रहा मिर्च की छीमी का सीसी आते। इसका मतलब क्या है? ऋषि आते मतलब गुस्सा करते हुए, सीसी आते मतलब सीसी करना। तो मतलब आंख पूछते, आंख से आंसू टपक रहा है, आंख को पूछते थे। दांत पीसते, दांत को भी पीसते थे। पूरा उसको तकलीफ हो रहा है तो आंख को पोछते हुए, दांत को पीसते हुए, रोते हुए, रोना भी आ जाता है, रोते और ऋषि आते, ऋषि आते मतलब गुस्सा आता था। तो आंख पोछते, दांत पीसते, रोते और ऋषि आते, तो रोने से या गुस्सा करने से, जो भी करने से क्या होता है, वो खाता ही रहा, उसको वो आंख भी पोछता था, दांत भी पीसता था और रोता था और गुस्सा भी करता था, उसका साथ साथ वो खाता ही रहा। क्या? मिर्च, मिर्च के छीमी को सीसी आते, सीसी करके खाता रहता है। मुंह जल जा रहा है फिर भी सीसी करके, रोते हुए और गुस्सा करते हुए, आग पोछते हुए, दांत पीसते हुए, वो मिर्ची का फली को खाते रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। तो एक सिपाही मतलब एक पुलिस, वो इतने में क्या क्या आ गया, रोते इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, बोला भूखा क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। तो ये जो तबाही, ये बर्बादी क्या क्यों कर रहा है, तबाही, तबाही मतलब ये नाश, ये सत्यानाश क्यों कर रहा है, क्या खाकर ये सब सत्यानाश कर रहा है। तुम कहाँ का भूखा, कहाँ का बेवकूफ, बेवकूफ माने भूखा गधा। तो इतने में आ गया एक उधर से एक सिपाही, एक पुलिस में आ गया और बोला तुम भूखा क्या खाकर ये सब नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कहा काबुल ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। बोला मैं पैसा खाता हूँ, तू सिपाही अपना राह में जाओ, मैं काबुल से हूँ, मैं हूँ आदमी, काबुल का आदमी, मैं वैसा वैसा नहीं हूँ, और तू अपना राह में जा, तू रास्ता में जाओ, मैं अपना पैसा खाता हूँ, पैसा खर्चा करके लाया ना खर्चा, तो पैसा ही खाता हूँ। तो ये रहा ये स्टोरी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं चैप्टर 17 का, ये मिर्च का मजा, ठीक है, इसको पढ़ना है और इसका क्वेश्चन आंसर करना है।